आज के संदर्भ में देखें तो पता नहीं संविधान का एक पेज भी हम पूरा कर पाते, क्योंकि नेशन फर्स्ट कालक्रम से राजनीति ने उस पर इतना प्रभाव पैदा कर दिया है कि देश हित भी कभी कभी पीछे छूट जाता है। ये उन महानुभावों को प्रणाम इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने, उनके भी अपने विचार होंगे, उनके विचारों की भी धारा होगी, उस धारा में धार भी होगी, लेकिन फिर भी राष्ट्रहित सुप्रीम होने के नाते सबने मिल बैठ करके एक संविधान दिया। और इसलिए इस संविधान दिवस को हमें इसलिए भी मनाना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो संविधान के प्रकाश में सही है कि गलत है, हमारा रास्ता सही है कि गलत है। हर वर्ष संविधान दिवस मनाकर के हमने अपने आप को मूल्यांकन करना चाहिए। अच्छा होता देश आजाद होने के बाद 26 जनवरी प्रजासत्ताक पर्व की शुरुआत होने के बाद हमें 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में देश में मनाने की परंपरा बनानी चाहिए थी, ताकि उसके कारण हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी संविधान बना कैसे, कौन लोग थे इसको बनाते थे, किस परिस्थितियों में बना, क्यों बना, हमें संविधान कहां ले जाता है, कैसे ले जाता है, किसके लिए ले जाता है, इन सारी बातों की हर वर्ष अगर चर्चा होती है तो संविधान जिसको दुनिया ने एक जीवंत इकाई के रूप में माना है, एक सामाजिक दस्तावेज के रूप में माना है, विविधता भरे देश के लिए ये एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी अवसर के रूप में काम आता। लेकिन कुछ लोग इसे चूक गए। लेकिन जब बाबा साहब आंबेडकर की 125वीं जयंती थी, हम सबको लगा कि इससे बड़ा पवित्र अवसर क्या हो सकता है कि बाबा साहब आंबेडकर ने इस देश को जो बहुत बड़ा नजराना दिया है उसको हम हमेशा हमेशा के लिए स्मृति ग्रंथ के रूप में याद करते रहे। और इसी में से, और मुझे याद है जब सदन में इस विषय पर मैं बोल रहा था 2015 में बाबा साहब आंबेडकर की 150वीं जयंती के निमित्त इस काम की घोषणा करते समय, तब भी विरोध आज नहीं हो रहा है, उस दिन भी हुआ था कि 26 नवंबर कहां से ले आए, क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत थी। बाबा साहब आंबेडकर का नाम हो और आपके मन में ये भाव उठे, ये देश अब सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज अब भी बड़ा दिल रख करके खुले मन से बाबा साहब आंबेडकर जैसे मनीषियों ने देश को जो दिया है, इसका पुण्य स्मरण करने की तैयारी ना होना, ये भी एक चिंता का विषय है। साथियों, भारत एक संवैधानिक लोकतांत्रिक परंपरा है, राजनीतिक दलों का अपना एक अहम महत्व है और राजनीतिक दल भी हमारी संविधान की भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रमुख माध्यम है। लेकिन संविधान की भावना को भी चोट पहुंची है। संविधान के एक एक धारा को भी चोट पहुंची है जब राजनीतिक दल अपने आप में अपना लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो देते हैं। जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हो वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं।
देश में कश्मीर से कन्याकुमारी, हिंदुस्तान के हर कोने में जाइए, भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां। राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। कश्मीर से कन्याकुमारी हरी राजनीतिक दलों की तरफ देखिए, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है, संविधान हमें जो कहता है उसके विपरीत है। और जब मैं ये कहता हूं कि पारिवारिक पार्टियां, इसका मतलब मैं ये नहीं करता हूं कि एक परिवार में से एक से अधिक लोग राजनीति में ना आए, जी नहीं, योग्यता के आधार पर जनता के आशीर्वाद से किसी परिवार से अधिक लोग राजनीति में जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है। लेकिन जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। और आज संविधान के दिवस पर संविधान में विश्वास करने वाले, संविधान को समझने वाले, संविधान को समर्पित सभी देशवासियों से मैं आग्रह करूंगा कि देश में एक जागरूकता लाने की आवश्यकता है। जापान में एक प्रयोग हुआ था, जापान में देखा गया कि कुछ ही पॉलिटिकल फैमिली ही व्यवस्था में चल रहे हैं, तो किसी ने बेड़ा उठाया था, वो नागरिकों को तैयार करेंगे और पॉलिटिकल फैमिली के बाहर के लोग निर्णय प्रक्रिया में कैसे आए, और बड़ी सफलतापूर्वक 30-40 साल लगे लेकिन करना पड़ा। लोकतंत्र को समृद्ध करने के लिए हमें भी हमारे देश में ऐसी चीजों की ओर जाने की आवश्यकता है, चिंता करने की आवश्यकता है, देशवासियों को जगाने की आवश्यकता है।